आप देख रहे हैं YouTube चैनल ITI to CTI क्लासेज। मैं देवेंदर सर, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ट्रेड थ्योरी की क्लास। और जो हमने पिछली क्लास पढ़ाई थी आपको कि भाई जो डिफरेंट टाइप ऑफ रोल्स, ठीक है, जो स्टील रोल हमारी इंडस्ट्री में यूज होते हैं उनके बारे में, अब उससे अगला टॉपिक आता है कि भाई टेलीस्कोप क्या होता है और यह किस काम आता है। क्या होता है टेलीस्कोप? सबसे पहले आइए टेलीस्कोप गेज। टेलीस्कोप गेज होता है यह जो अप्रत्यक्ष मापी औजार होता है, ठीक है, इससे माप लेके हम दूसरे माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर से माप लेते हैं, और यह अंग्रेजी के टी अक्षर की तरह दिखाई देता है। जैसा कि आप देख पा रहे टेलीस्कोप इस तरह का होता है। इसमें क्या होता है, एक होती है होलो रोड यानी कि जो अंदर से खोखली होती है, ठीक है, और एक होती है मूवेबल रोड, ठीक है। ये स्प्रिंग की सहायता से इस होलो रोड के अंदर बाहर इस तरह से मूवेबल करती है, इसको जब दबाते हैं तो ये इसके अंदर चली जाती है, और जैसे ही आगे से जितना प्रेशर कम होता जाता है ये बाहर आती जाती है। और इसमें होता है एक हैंडल जिसके ऊपर नरलिंग की होती है ताकि ये पकड़ने में आसानी हो और फिसले ना, ठीक है, मजबूती से पकड़ा जा सके। और एक होता है लॉकिंग स्क्रू। जब हम इसको स्लॉट या ग्रू का साइज लेते हैं तो क्या करते हैं कि भाई इसको ग्रू के अंदर इसको डाल के और इसको टाइट कर देते हैं लॉकिंग स्क्रू को, ताकि माप हिले ना, और फिर उसे माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर से नाप लेते हैं। जो हमारा टेलीस्कोप गेज होता है ये केवल एक नहीं होता, ये सेट में पाया जाता है। एक सेट में 5 टेलीस्कोप होते हैं। इसका यह जो कि सेट में होता है, इसमें जो सबसे छोटा होता है वो होता है 12.7 से 19 mm, 12.7 से 19 mm तक का साइज नापता है ये, ठीक है, 12.7 से 19 mm तक का। और जो इससे अगला 2 नंबर का होता है यह 19.0 से 31.9 mm तक का साइज नापता है। 31 जो 2 नंबर होता है ना, ये हमारा 19 mm से 31.7 mm तक नापता है। सॉरी, मैंने 31.9 लिखा गया, लेकिन ये 31.7 mm तक नापता है। जो नंबर 3 होता है यह 31.7 से 53.9 mm तक का साइज नापता है, ठीक है। ये इस तरह से सेट में होते हैं। जो सबसे छोटा सेट का होता है वो 12.7 से 19 mm तक का होता है, दूसरा 19 से 31.7 mm तक का, तीसरा होता है 31.7 से 53.9 mm तक का, और नंबर 4 पे आता है 53.9 से 88.9 mm। चौथा क्या होता है, 53.9 से 88.9 mm तक का। और जो सबसे बड़ा होता है वो होता है 5 नंबर का, 88.9 से 152.4 mm तक के साइज में उपलब्ध होता है। यानी कि जो टेलीस्कोप गेज होता है इसका साइज 12.7 से 152.4 mm तक साइज में होते हैं साइज, ठीक है। ये 112.7 mm से 152.4 mm तक के साइज में उपलब्ध होते हैं, इतने mm तक का ये माप सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा जो टेलीस्कोप गेज है वो, कि भाई ये किस तरह से दिखता है और काम किस तरह, काम इस तरह से करता है कि भाई हम जब गुरु है मान लीजिए कोई भी, तो उसके अंदर जैसे कि ये कैप है, इसका जो ये गुरु है ना, इसके अंदर से हमने नाप लेना, तो इसको कैसे करेंगे, इसको इधर से दबाएंगे, पहले इस तरफ से जो मूवेबल चाहे इसको डालेंगे और इसको इस तरह से दबाते चले जाएं, फिर दोनों साइड से, और फिर क्या करेंगे, इस तरह से बिल्कुल सीधा कर देंगे और फिर लॉक स्क्रू को लॉक कर देंगे, ठीक है, फिर उसे बाहर निकाल के वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर से उसका नाप लेंगे। इससे अगला टॉपिक आता है हमारा होल गेज क्या होता है, जिसे हम हेमिस्फेरिकल गेज भी कहते हैं। आगे आता है होल गेज या हेमिस्फेरिकल गेज, कि होल गेज और हेमिस्फेरिकल गेज क्या होता है, ठीक है। ये भाई इसको जो हम जो हमारा टेलीस्कोप गेज होता है ना, वो 12.7 से ऊपर ऊपर का साइज नापता है, और इसके द्वारा हमें 3.2 से
3.2 mm से 12.7 mm तक के साइज नापते हैं, जिस साइज को हमें टेलीस्कोप गेज से नहीं नाप सकते। ठीक है, ये दिखने में इस तरह से होता है। इसमें जो हेमिस्फेरिकल गेज में एक स्क्रू हेड होता है लास्ट में, ठीक है, और उससे आगे होता है हैंडल जहां से इसको हम पकड़ते हैं, उससे आगे आता है बाल रेडियस जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, और वेज, ठीक है, लगी होती है इसमें। ठीक है, जब हम इसको स्क्रू हेड को घुमाते हैं ना तो ये खुलता और बंद होता है, ठीक है, जिससे इसका साइज लेते हैं हम। ठीक है, इसको मान लीजिए गरु के अंदर इसको डालते हैं और फिर इससे स्क्रू हेड से अगर इसको फैलाना है तो इसको फैलाएंगे, और कम करना क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और यदि कम करना तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो ये क्या होगा, इससे माप लिया जाएगा और फिर उसको क्या करेंगे, माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर से उसे नाप लेंगे कि वो कितना है। ठीक है, ये होता है ए टाइप। कौन सा होता है? ए टाइप का हेमिस्फेरिकल गेज। और ये दो तरह के होते हैं, एक होता है बी टाइप। ये किस तरह का है? बी टाइप। जो बी टाइप का होता है ना, इसमें क्या होता है कि भाई एक हैंडल लगा होता है, उससे आगे आता है एक थिम्बल होता है, और फिर स्प्रिंग, जो क्योंकि ये स्प्रिंग की सहायता से फैलता है, और इसमें दो बाल्स, ये जो बाल्स हैं ये बाल्स लगी होती हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये बाल्स जब हम इसको हैंडल से थिम्बल को घुमाते हैं तो क्या होता है कि ये बाल अंदर या बाहर होती हैं, ठीक है, जिससे इसका साइज लेते हैं, और ये इसके अंदर क्या होता है, ये प्लंजर होता है जो कि स्प्रिंग की सहायता से आगे पीछे होता है, फैलती, जिसकी वजह से ये बाल्स बाहर अंदर होती हैं, और ये एक खोखली ट्यूब के अंदर होता है, इस तरह से होता है ये। ठीक है, इसके द्वारा हम 3.2 mm से 12.7 mm तक साइज लेते हैं, जो कि ये दो प्रकार का होता है, ए और बी। जो यह भी जो हेमिस्फेरिकल होता है हमारा, टेलीस्कोप गेज होता है, उसकी तरह सेट में मिलता है, और ये सात सात सेटों में उपलब्ध होता है। ठीक है, एक सेट में सात हेमिस्फेरिकल गेज मिलेंगे। उसमें सबसे पहले आता है 3.2 mm से 3.8 mm तक का, जो सबसे छोटा है ये होता है 3.2 से 3.8 mm तक का। ये नंबर दो पे आता है 3.8 से 4.5 mm तक का। ठीक है, नंबर तीन पे आता है जो कि ये इस तरह से, जो ये सबसे छोटा है, अब इससे अगले बड़े होते जाएंगे। नंबर तीन पे आता है 4.5 से 5.1 mm तक। ठीक है, और नंबर चार पे आता है 5.1 mm से 6.4 mm तक। ठीक है, और नंबर पांच पे आता है 6.4 से 8 mm तक। ठीक है, और नंबर छह पे आता है 8 mm से 9.6 mm तक। ठीक है, और नंबर सात पे आता है 9.6 mm से 12.7 mm तक। ठीक है, ये है हमारा जो हेमिस्फेरिकल गेज, जो कि सात साइजों में उपलब्ध होता है। जो सबसे छोटा होता है वो 3.2 से 3.8 mm तक, और जो सबसे बड़ा होता है 9.6 से 12.7 mm तक। और यह इस तरह से इसके द्वारा हमें जो गुरु या स्लोट का साइज नापते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक था ये हमारा, हेमिस्फेरिकल गेज और टेलीस्कोप गेज क्या होता है। आशा, ये था हेमिस्फेरिकल गेज कि भाई हेमिस्फेरिकल गेज होता है ना, जो दो सेट होते हैं इसके, ए और बी। ठीक है, ए होता है ये इस तरह से होता है, इसमें जो ये रेडियस बाल लगे होते हैं, ठीक है, रेडियस वाले, और इसमें क्या होता है, प्लंजर काम करता है बी टाइप में, जो कि स्प्रिंग की सहायता से इन बालों को बाहर और अंदर निकालता है, ये हार्ड स्टील की बनी होती हैं। ठीक है, और ये सात साइजों में उपलब्ध होता है, एक में जो सबसे छोटा होता है 3.2 से 3.8 mm तक, और नंबर दो पे आता 3.8 से 4.5 mm तक, फिर तीन पे आता 4.5 से 5.1 mm तक। ठीक है, चार पे 5.1 से 6.4 mm तक, और पांच पे 6.4 से 8 mm तक, फिर छह पे आता है 8 से 9.6 mm तक, और सात पे 9.6 से 12.7 mm तक।
कि इन साइजों को ये नापता है। ठीक है, ये था हमारा आज का हेमिस्फेरिकल गेज जो टॉपिक था। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।